हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग विद पीयूष। और दोस्तों, आज कैसा है कि मैं सुबह सुबह उठा और मेरा मूड अलग ही था, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे कभी से मैसेजेस आ रहे थे कि मीटअप के लिए, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट जो आए हैं उन लोगों को, ठीक है, मैंने रेस्पॉन्ड किया कि मैं संडे को मीटअप रखूँगा। तो फिलहाल मैं मीटअप के लिए जा रहा था गाइज, लेकिन ये रास्ते में ही देखा कि यहाँ 3B's करके पीछे ही और रेस्टोरेंट ओपन हुआ है न्यूली, जो मैंने गूगल वगैरह किया तो पता चला कि ये बॉम्बे का पहला रेस्टोरेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जो है पहले वीडियोज़ बनाया जाए, क्योंकि ये जो 3B's है गाइज, ये 3B's नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इट्स स्टैंड फॉर बड़ीज बार बारबेक्यू, यानी कि दोस्तों का जो है बार का अड्डा और बारबेक्यू फूड। तो यानी ये वैसी ही जगह है, तो यहाँ पे आप अपने ग्रुप फैमिली के साथ आ सकते हो। तो फिलहाल मैं अंदर चलता हूँ, देखता हूँ क्या क्या फूड्स है, क्योंकि मैंने ये भी पता किया तो मुझे ये पता चला कि यहाँ के जो फूड्स हैं, यहाँ पे कुछ यूनिक फूड्स भी है। आपको यहाँ पे लिकर वगैरह भी मिलती है, और आपको यहाँ आना कैसे है वो भी मैं बता दूँ। ये जो है आप ये देख सकते हो L&T गेट नंबर 7 है, और ये पीछे आप सनोफी कॉरपोरेट पार्क है, और ये जो लोकेटेड है ये है ATL कॉरपोरेट पार्क में। तो ये पवई साकी विहार रोड पे पड़ता है, और साकी नाका से जो है आपको 22 rupees लगेगा बाय ऑटो, और अगर आप बस से आओगे तो 6 rupees लगेगा, और अगर बाय वॉकिंग आओगे तो 20 minutes लगेगा। तो लेट सी गाइस अंदर क्या फूड से चलते हैं, देखते हैं, इसके बाद हम लोग जाएंगे मीटअप के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत लगी और कुछ यूनिक जगह मिला है। और इसके बाजू में ही एब्सोल्यूट बारबेक्यू है, तो आप गूगल मैप पे ये सर्च करके इजीली पहुंच सकते हो। तो चलिए अंदर फटाफट चलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे है तो हमें ऊपर जाना है, और देखते हैं यहाँ का फूड कितना लजीज है। तो आइए चलते हैं बड़ीज बार बारबेक्यू में, लेट्स गो गाइस। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर ही है गाइस, ये 3B's आप देख रहे हो, यानी बड़ीज बार बारबेक्यू, और उसके बाजू में ये एब्सोल्यूट बारबेक्यू है, और ये जस्ट रोड पे ही है गाइस, और ये सामने L&T का 7 नंबर गेट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने सनोफी बिजनेस पार्क बताया ये भी है। तो फिलहाल आपको यहाँ से एंट्री करना है और ये सीधा जाना है फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो अभी हम लोग उसी साइड जाएंगे गाइस। तो चलिए फटाफट चलते हैं। गाइज फाइनली मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, तो फटाफट चलते हैं अंदर और देखते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ से एंट्री करना है, ये देख सकते हो अपने को। फिलहाल अभी मैं देखता हूँ कि मैं फूड्स में क्या ऑर्डर करने वाला हूँ, पहले मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ। तो जो लोग नॉन वेज और वेज फूड में डिफरेंसेस रखते हैं, यानी कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो जैसा आप फूड्स लेना चाहो आप यहाँ पे ले सकते हो। और फिलहाल यहाँ पे बार काउंटर्स भी है, जो कि मैंने एंट्री के टाइम दिखाया, वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि बार अभी चालू नहीं हुआ है। और मैं मेन्यू दिखा देता हूँ फूड में क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है मेन्यू के जो भी डिशेज है वो ट्राई कर सकते हो। तो लेट्स सी मेन्यू में क्या है गाइस, देखते हैं। तो ये इनका फूड मेन्यू है गाइस, तो मैं इसमें देखता हूँ क्या क्या डिशेस है। तो ये मैं आपको थोड़ा स्पीड में दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो ये ऑल डे ब्रेकफास्ट है, ये वेगीज में है, और इसके बाद ये इधर देख सकते हो भी देसी मंचीज़ है, देसी चखना, और ये सलाद ऑफ द डे है, ये प्राइजेज भी उसके लिखे हुए हैं, और इस साइड भी देख सकते हो गाइस सिजलर्स हैं, और इसके बाद सूप ऑफ द डे ये इधर देख सकते हो, और बाकी जो फूड्स है इधर पे चाइनीज़ मील्स में ये देख सकते हो, ये सबके प्राइजेस वगैरह भी दिए हुए हैं, और वेज नॉन वेज आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे, ये देसी चखने में भी वही सेम रिपीटेड वेज एंड नॉन वेज में है, ये क्रीमी पास्ता भी है यहाँ पे। इसके बाद 3B's पिज़्ज़रिया जो है, ये पिज़्ज़ा का एक टाइप है गाइस, तो इसमें भी वेराइटीज़ बहुत सारी हैं, और इसके बाद ये डेज़र्ट में भी देख सकते हो। और इसके बाद ये इनका मेन्यू एंड हो गया है, यहाँ पे गुड मील इन बाउल है, ये देख सकते हो दाल मखानी राइस बाउल पनीर एबी स्पेशल खिचड़ी, और ये बटर चिकन वगैरह ये सब दिया हुआ है, टू गुड्स मील इन बाउल दम बिरयानी वगैरह।
तो ये नॉर्मली जो है इनका मेन्यू है, तो अभी तक मैं डिसाइड नहीं किया हूँ कि मुझे क्या खाना है, क्योंकि मैं अभी तक तो आपसे बातें कर रहा था, तो देखता हूँ मुझे क्या क्या फूड लेना है और आप लोगों को दिखाना है, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और दूसरी चीज़ मैं ड्रिंक भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो नॉन वेज फूड है और ड्रिंक वो भी आपको बता सकूँ। लेकिन फ़िलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो यहाँ पे ड्रिंक्स में क्या क्या है और उसके प्राइजेस क्या क्या हैं वो भी बता देता हूँ, ताकि आप जो है अपना प्लान आउट कर पाओ कि यहाँ आने के लिए आपको कितना अपना पॉकेट ढीला करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं लीगल्स में क्या है और उनके प्राइजेस क्या है गाइस। तो ये इनका जो है बार का मेन्यू है गाइस, ये देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम स्कॉच के भी प्राइजेस दिए हुए हैं। वैसे तो मैं स्कॉच वगैरह पीता नहीं, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा उनके बारे में डिटेल्स नहीं पता है, और ये इस तरह से उन्होंने जो है अपना बार का मेन्यू बनाया जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये फिर इसके बाद इधर देख सकते हो जो स्कॉच के जो प्राइजेस है वो अलग अलग है, तो आप आओगे अभी आपको क्या पीना पसंद है आई डोंट नो गाइस। ये विस्कीज वगैरह गाइस ये देख सकते हो इजीली। फिर यहाँ पे वोडका, रम, ब्रांडी, गिन, ये सब के प्राइजेस दिए हुए हैं, इम्पोर्टेड भी है यहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा इन सब के बारे में डिटेल्स नहीं पता, लेकिन मैं प्राइस दिखा ले रहा हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या ड्रिंक करते हो, क्योंकि बहुत लोगों को ड्रिंकिंग करने की हैबिट होती है बाहर जाने के बाद। तो जो भी इसमें से पसंद आए गाइस आप देख सकते हो, मैंने सारे प्राइजेस वगैरह दिखा दिया है, और प्राइजेस में भी शायद इफ़ेक्टिवली ही होंगे क्योंकि मैं लिकर तो ड्रिंक करता नहीं, बियर्स वगैरह। तो ये मेन्यू ओवर हो गया गाइस। तो गाइज़ ये देख रहे हो यहाँ पे सब जो इस 3B's यानी बडीज बार बारबेक्यू का जो ये स्पेशल फूड है ये सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं वन बाय वन बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या स्पेशल है। तो ये जो है सिजलिंग चिकन है, इसकी स्पेशलिटी है ये कॉन्टिनेंटल फूड है, और इसमें आपको जो है सब ग्रिल चिकन वगैरह मिलता है। और इसके बाद ये ले लेते, ये है चिली पनीर मील बॉक्स। तो ये गाइस देख रहे हो इसमें कैसा है, इसके अंदर ये पनीर वगैरह रहता है, ये चिली पनीर है, और फिर यहाँ पे राइस है, और इसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पे डेजर्ट रखा हुआ है यानी कि सिजलिंग ब्राउनी है ये आप देख रहे हो, और उसके बाद ये यहाँ पर है सीजर सैलड, और फिर ये तो नॉर्मली आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ पे दाल मखानी वगैरह रखा हुआ है, और यहाँ पे ये वेज पिज़्ज़ा, इसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पे आप देख सकते हो पनीर अजवानी टिक्का है, और इसके बाद ये सब नॉनवेज फूड वगैरह है, ये चिकन टिक्का है गाइज। उसके बाद ये मेन देख लेते हैं अपना, ये है अपना ये लखनऊ गोश्त दम बिरयानी गाइज, जो नॉनवेज ईट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसके बाद ये फाइनली ये साते चिकन है गाइज। और इसके बाद ये नॉर्मल यहाँ का जो स्पेशल फूड है ये सब था, जो कि मैंने वन बाय वन आपको दिखा दिया है। तो ये जो है मैंने मेन्यूज़ आपको दिखा दिया, मैंने कुछ फूड ऑर्डर किया है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या फूड ऑर्डर किया है गाइस, क्योंकि ये समथिंग स्पेशल है, तो जब वो फूड मेरे सामने आएगा तो आप थोड़ा गेस करना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या स्पेशल फूड ऑर्डर किया है। तो लेट्स चलते हैं किधर, अपने फूड्स की तरफ, देखते हैं अपने क्या ऑर्डर किया है। तो वैसे भी आप तो टेस्ट नहीं कर पाओगे, टेस्ट करने के लिए आना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं खाता हूँ आप देखिए, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस मैंने जो भी ऑर्डर किया था ये आ चुका है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये अजवानी पनीर टिक्का है गाइस, ये इसका जो कॉस्टिंग है ये 225 रुपीज़ का है। तो ये एक ऑर्डर किया है मैंने, और ये चिली पनीर मील बॉक्स ऑर्डर किया है जिसकी कॉस्टिंग है 250 रुपीज़। तो बेसिकली मैंने ये दोनों ऑर्डर किया हुआ है, और उसके बाद ये जो है क्रैन कूलर गाइस, ये आप देख रहे हो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक भी ऑर्डर किया हुआ है यानी मॉकटेल। तो ये जो आपको कॉस्टिंग पड़ता है ये 175। तो ये तीन चीज़ ऑर्डर किया, और मैंने एक स्पेशल डिश भी ऑर्डर किया है जो कि आने में टाइम लगेगा, तब तक मैं इसको थोड़ा खा के लेता हूँ यार गाइस, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। तो पहले हम इसको खाते हैं और टेस्ट देखते कैसा है, लेकिन मैं आपको पूरा ये वीडियो चालू रख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी किसी और को बैठाया हुआ है वीडियो ये इतना पकड़ने के लिए, तो उतने टाइम तक नहीं बैठेंगे। फिर भी मैं फटाफट खाता हूँ, और जो स्पेशल चीज़ मैंने ऑर्डर किया इसके बाद मैं खाने वाला हूँ वो दिखाता हूँ। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये टेस्ट करूँगा पनीर, देखते कि इसका टेस्ट कैसा है गाइस। तो देखते हैं। गाइस बहुत ही टेस्टी है, और इसके बाद हम लोग ये खाएंगे, लेकिन जो हमारा डिश जो आने वाला है यानी हमारा पिज़्ज़ा, तब तक वेट करेंगे, तब तक मैं ये सब खा के ले लेता हूँ। तो देखते रहिए मेरा चैनल, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, लेकिन तब तक मैं फटाफट इसको खा लेता हूँ। तो एक दो मिनट बाद आएगा।
ये इनका बार काउंटर है गाइस, ये देख रहे हो ये सामने ये पूरा। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं इम्पोर्टेड लिकर्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ, और यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट लिखा हुआ है क्योंकि गाइस इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये वोडका है ये सब एब्सोल्यूट का है, इसके लिए यहाँ पे ऐसा एब्सोल्यूट लिखा हुआ है। और ये बार भी इनका काफ़ी अच्छा है, और धीरे धीरे जो रश है वो भी अभी कम हो गया है और फिर अभी बढ़ेगा गाइस। और वैसे ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी बेटर है। कौन सा ड्रिंक करते हो इनमें से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा ड्रिंक करना पसंद करते हो, बिकॉज मैं ड्रिंक नहीं करता हूं, तो मुझे ये तो पता चले कि आप लोग कौन सा ड्रिंक करना पसंद करते हो गाइस। तो फिलहाल मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मैं आपको क्लोजअप शॉट्स दिखा देता हूं कि ये कौन कौन से बियर रखे हुए हैं ताकि आप इजीली कमेंट कर सको। तो गाइज़ वैसे तो अपना जो मेन कोर्स था वो ख़त्म हो गया, मैंने फटाफट ख़त्म किया। और इसके बाद मैंने जो अपना स्पेशल डिश ऑर्डर किया था गाइज़, वो है पनीर मखनी टिक्का पिज़्ज़ा, वो आ चुका है गाइज़, ये देख सकते हो, ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ। और इसकी जो कॉस्टिंग है गाइज़ ये है 150 रुपीज़, यानी कि ये 150 रुपीज़ में आपको पड़ता है। और मेरे टाइम ज़्यादा चले गए इसकी वेटिंग में, क्योंकि तब तक मैंने सारा खाना भी खा लिया। तो इसको भी टेस्ट करके देखते हैं गाइज़, ये इसका जो टेस्ट है वो कैसा है, तो ट्राई करते हैं गाइज़, आप भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा है टेस्ट। गाइज सुपर, यानी 150 रुपीज़ में ये बहुत ही वर्थ है गाइज़, और यहाँ का जो खाना है वो बहुत ही लजीज है गाइज। तो फाइनली मुझे यहाँ का खाना खाने में और टेस्ट में बहुत मज़ा आया गाइज़। ये सुपर जो है, जो थ्री बीज रेस्टोरेंट है वो काफ़ी सुपर है, यानी ये जो बडीज बार बारबेक्यू है गाइज़, ये सुपर है, और यहाँ का फूड भी काफ़ी अच्छा है, और मुझे खाना खाने में भी मज़ा आ रहा है। तो पहले मैं फटाफट ये खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट है मैं खाते हुए बात ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो चलिए मैं फटाफट खा लेता हूँ। तो फाइनली गाइज़ मेरा खाना खा के ख़त्म हो गया है, ये देख रहे हो, और मुझे बहुत मज़ा आया गाइज़, सीरियसली बहुत ही टेस्टी फूड था। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कहीं अच्छी जगह अपनी फैमिली को लेकर जाके लंच करें या डिनर करें, तो ये जगह बेस्ट है। और यहाँ का जो मॉकटेल है और जो बियर्स वगैरह है वो भी काफ़ी वेराइटीज़ अवेलेबल है, फूड में भी बहुत यूनिक यूनिक इनके पास वेराइटीज़ है, जो कि मैंने आपको प्राइस और दोनों चीज़ें दिखा दिया। तो 1000 रुपीज़ का मेरा भी बजट बन गया यहाँ पे गाइज़ आने के बाद, लेकिन 1000 रुपीज़ देना वर्थ लगता है, क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाती है, और मुझे काफ़ी मज़ा आया गाइज़। होप आपको भी जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऐसे ही मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और कमेंट करो कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको किधर लेकर चलूँ। और फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अभी मीटअप के लिए नहीं जाने वाला हूँ गाइज़। मैंने अभी तक डिसाइड किया था कि इसके बाद कुछ यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनके साथ मीटअप के लिए जाना है, बट प्लान हैज़ कैंसल्ड, क्योंकि मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मीटअप करेंगे, क्योंकि अभी मैसेज आया था बाकी यूट्यूबर्स का और जो आने वाले थे, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और मुझे यहाँ का व्लॉगिंग भी करना था, इसके लिए मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो वो प्लान कैंसिल हो गया। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर क्लोज़ करूँगा गाइस, और होप आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।